पप्पू जी का तो आप लगातार देखते ही रहते होइएगा कि पप्पू जी जब आपको सोशल मीडिया के माध्यम से खुलेआम खुले तरीके से सोशल मीडिया पर कई क्लिप्स वायरल होती हैं पैसा बांटते हुए लोगों को रुपया देते हुए। पटना विश्वविद्यालय चुनाव परिणाम आने के बाद बिहार की राजनीति गर्मा चुकी है। लगातार विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर सवाल खड़ा कर रहा है। तो वहीं बता दें आपको कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने एक वीडियो आज जारी किया जिसमें उन्होंने साफ कहा धन बल का प्रयोग कर जदयू के चार कैंडिडेट जीत गए हैं। तो वहीं जिसको लेकर युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज ने प्रतिक्रिया दी है वहीं खूब तंज कसा है। वहीं उनका साफ कहना है कि पप्पू यादव 2018 में एक बार आए थे और 15 दिनों तक पटना विश्वविद्यालय में कैंपेनिंग किए थे। तो वहीं वो खूब पैसा बांट रहे थे और लगातार अपने सोशल मीडिया पर पैसा बांटते हुए दिखते हैं, वीडियो पोस्ट करते हैं। वहीं क्या कुछ कह रहे दिव्यांशु भारद्वाज वो सुना। देखिए एक्चुअली है क्या कि पप्पू जी का तो आप लगातार देखते ही रहते होइएगा कि पप्पू जी जब आपको सोशल मीडिया के माध्यम से खुलेआम खुले तरीके से सोशल मीडिया पर कई क्लिप्स वायरल होती हैं पैसा बांटते हुए लोगों को रुपया देते हुए। हमारे पार्टी में यह कल्चर नहीं है। अब कई लोगों ने क्या किया कि हम लोग कैंपेन कर रहे हैं 25-50 लोगों को लेकर के घूम रहे हैं, तो लोगों ने कहा भाई वहाँ जब घूम लिए हम लोग और जब गए भाई सुबह से निकले हम लोग बैठे कहीं नाश्ता कर रहे हैं, चाट खा रहे हैं, फोचका खा रहे हैं, तो उसको चला दिया कि भाई छात्र जदयू की तरफ से चाट और फोचका चलाया जा रहा है। अरे व्यवहारिक बात है कि आप लोग भी स्टूडेंट रहे हुए हैं, निकले हैं 50 के ग्रुप में, अगर गए हैं कोई काम करने के लिए गए हैं तो उस व्यवहारिक चीज़ है कि भाई सब लोग खाएंगे पिएंगे, बैठे हुए हैं आप और अब दोस्त है चलो यार हमको खिलाओ कुछ, तो सब स्टूडेंट हैं वहाँ पे, सबके पास किसी के पास पैसा रहता है किसी के पास पैसा नहीं रहता है। तो जब चुनाव में लोग जाते हैं तो व्यवहारिक चीज़ है कि जब चुनाव पार्टी लड़ रही होती है तो उसमें भोजन पानी की व्यवस्था की जाती है अपने कार्यकर्ताओं के लिए अपने वर्करों के लिए। तो अब पप्पू जी ऐसा आरोप लगा रहे हैं जो खुद पैसा खुले तौर पर बांटते हैं, रुपया ले करके उसको वायरल करते हैं, इंटरनेट पर आता है, फेसबुक पर आता है, ट्विटर पर आता है, तो आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि भाई जब वो हम जब चुनाव लड़ रहे थे 2018 में उस समय में माननीय पप्पू जी सांसद थे या नहीं थे याद नहीं है, लेकिन बड़ा चेहरा थे और 2018 के फरवरी में उनके पार्टी के कैंडिडेट जब हमारे सामने चुनाव लड़ रहे थे तो पप्पू यादव जी 15 दिन पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने कैंप किया था। और मैं माइक पर अगर बता दूं तो भाई जवाब देते में हालत खराब हो जाएगा, इतना रुपया उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में खर्च किया था, हर चीज में एकदम कैश पैसा खर्च किया था मैं जब चुनाव लड़ रहा था। तो पप्पू जी अगर आरोप लगा रहे हैं तो आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि भाई आपसे ज्यादा पैसा बांटने वाला कैमरा पर बिहार के अंदर में कौन है जो खुले तौर पर पैसा बांटता हो, पैसा से कोई भी चीज हुआ तो पैसा बांट दिया। हमारे पार्टी के अंदर यह कल्चर नहीं है। हम लोगों ने नीतीश कुमार जी के चेहरे पर और हमारी जो पटना विश्वविद्यालय की इकाई हो गई, हमारे जो छात्र जदयू का जो पूरा प्रदेश की इकाई हो गई, इन सब लोगों ने बहुत मेहनत किया है और उस मेहनत का फल है हम लोगों ने सही लोगों को निकाला है। भाई प्लेटफॉर्म है, नीतीश पटेल जी ने खोज करके सही लोगों को निकाल करके उम्मीदवार बनाया पटना विश्वविद्यालय में, वो लोग स्टूडेंट्स के बीच गए और स्टूडेंट्स को इनका मुद्दा अच्छा लगा तो लोगों ने इनको समर्थन दिया है, यही है। तो आपने सुना युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज थे, उनका साफ कहना है कि धन बल का प्रयोग जो है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव करते हैं, हम ऐसा नहीं करते, हमारा ये कल्चर नहीं है। तो वहीं दिव्यांशु भारद्वाज का यह साफ कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के चेहरे पर जो है हमने जीत हासिल की है। तो वहीं चार कैंडिडेट जिस तरीके से जीते हैं उसको लेकर तमाम कैंडिडेट को दिव्यांशु भारद्वाज ने बधाई दी है। तो वहीं उनका साफ कहना है कि पप्पू यादव जो है पैसा बांटते, हम पैसा नहीं बांटते। वहीं क्या कुछ कह रहे थे दिव्यांशु भारद्वाज आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।